Hey guys, पीछे से बहुत लाइट आ रही है, so we'll try to avoid it. Hi. 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 देहरादून में शुरू हो गया है देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड आई एम वन ऑफ द इनवाइट्स देयर. सो सुबह 10:30 बजे एज एक्सपेक्टेड विनय पाठक जी आएंगे टू फेलिसिटेट अस ऑल एंड आई एम इन्वाइटेड देयर. सो मैं जा रही हूँ वहां पर. बाकी का कवर वहीं से दिखाते हैं आपको. आई विल कवर द शो एंड आई विल लेट यू नो. सो वी आर ऑल रेडी सेट टू गो. मुझे कल से बुखार है. आई एम नॉट फीलिंग गुड बट मेडिसिन ले लिया. लेट्स होप कि थिंग्स आर फाइन. आई इट इज़ ओके. चांच चांच का शक्ल बनी गई है सुबह से. क्यों बनी है पता नहीं मुझे बट आई कांट हेल्प इट. सो लेट्स गो. क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग से यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं. डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर देयर. 10:30 बजे इतनी भीड़ है यार. इट लुक्स नाइस एंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ. जैसे मैंने बोला आई एम वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स. So I have to be there in the auditorium. Let's see. It's nice to see different stalls. हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम में. पूछना है तो आप वो एक क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं विनय सर से. हमारे साथ बैठे हैं सर. अपना कीमती समय सर ने दिया है तो हम सर को ऐसे तो जाने नहीं देंगे. थोड़ी बहुत बातचीत तो बिल्कुल करेंगे. किसी का भी कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है तो ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है. तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लॉस की बात करना मुझे लगता है थोड़ा इनसेंसिटिव होगा. सारा देश जूझ रहा है लॉकडाउन की वजह से. कितने व्यवसाय ठप हुए हैं बंद हुए हैं. तो हमारा संघर्ष वहां पे पड़ा है. जहां तक फिल्म इंडस्ट्री की बात है, जहां तक मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री अभी भी स्वतंत्र रूप से कार्यरत है. थैंक गॉड फॉर OTT प्लेटफॉर्म. हमारे यहाँ काम हो रहा है, निरंतर हो रहा है. और दर्शक गण जो है उनको ऐसा नहीं है कि सिनेमा की कमी महसूस हुई है या मनोरंजन की कमी महसूस हुई है. क्योंकि पूरे पिछले गत 2 वर्षों से लॉकडाउन की वजह से मुझे तो लगता है कि TRP में बढ़ोतरी हुई है. लोगों ने घर की चार दीवारी में रह के जितने सारे प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराए गए हैं उसका सारा आनंद लोगों ने लिया है. बल्कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा फायदा हुआ है लॉकडाउन में. खासकर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वो लोग हैं जो सिर्फ वेब सीरीज बनाते हैं. हमने अभी तो फिल्म फेस्टिवल 3 दिन चलेगा बट हम लोगों ने काफ़ी कुछ आज देखा. काफ़ी सारी मूवीज़ देखी एंड वॉज वेरी नाइस टू सी कि देहरादून में उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा टैलेंट है. लोग बहुत अच्छी मूवीज़ बना रहे हैं. अभी शॉर्ट मूवीज़ चलेंगी, शाम को सेलिब्रिटीज़ आएंगे. हम लोगों को क्योंकि श्रेयांश वॉज गेटिंग वेरी रेस्टलेस, ब्लेम हिम, तो हम लोग वहाँ से निकल गए. हम घर पहुँचते, घर पहुँच के मैं आपको सारी दिखाती हूँ. ओके लेट्स रीच. हम अब लिफ्ट पे हैं. ये मम्मा का टिपिकल है. ये जब मम्मा जाती है तो पूरा मेकअप करके जाती है, लेकिन जब हम आ रहे होते हैं तो मम्मा की आधे से ज्यादा ज्वेलरी तो कान में ही गिर जाती है. आई डोंट लाइक वेयरिंग ज्वेलरी. मतलब आई रियली डोंट लाइक इट. तो क्या होता है कि जैसे ही कोई इवेंट पूरा होता है या कुछ ऐसा होता है, मैं फटाफट सबसे पहले ना गाड़ी में अपनी ज्वेलरी खोलना शुरू कर देती हूँ. सो आई एम नॉट वेयरिंग माई इयर रिंग्स. ज़्यादा ज्वेलरी मैं वैसे भी नहीं पहनती. आई जस्ट वोर एन इयर रिंग. तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे लग रही हूँ. फिलहाल मैं उतनी जैसे लग रही हूँ. दिस इज हाउ आई लुक. आई रियली लव वेयरिंग साड़ी. मैं साड़ी ही पहनती हूँ क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ. मैं खुद को कैरी भी कर पाती हूँ यार, संभाल लेती हूँ मैं साड़ी. तो इससे अच्छा श्रेयांश ज़्यादा थका हुआ लग रहा है. क्या किया तुमने जीवन में जो तुम ऐसे थके हुए? वो देखो मैं सब ऐसे गंदा छोड़ के गई थी. तुम इतने, तुम्हें मैंने बोला था मुझे पानी भी ला दो, तुमसे इतना नहीं हो पाया. क्या वो जो कार थी वो बहुत गर्म थी. हाँ तुम्हारे लिए गर्म थी, मेरे लिए तो नहीं थी. तुम छोड़ दो. ठीक है मैं आपसे खाना खाऊंगी, उसके बाद मिलूंगी. सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो ऑन अ गुड नोट क्योंकि मुझे बुखार हो रहा है. मुझसे ज़्यादा शूट हो नहीं पाएगा. आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके. एंड मुझे एक्चुअली ऐसा फील हुआ कि चलो मेरी कोई पहचान है, कोई आइडेंटिटी है. बट पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, जब भी मैं किसी सेलिब्रिटी से मिलती हूँ तो अगर मुझसे बात भी करने की कोशिश करें ना तो मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बात करती हूँ. आई डोंट टॉक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर मैं अवॉइड करती हूँ बात करना बिकॉज मुझे लगता है कि उनको ये लगता होगा कि यू नो
कि ओ माई गॉड फिर से बात करनी पड़ी है. तो मैं खुद को उस कैटेगरी में नहीं लाना चाहती, मैं ज़्यादा चिपकू लोगों में से नहीं बनना चाहती, तो मैं उतनी ही बात करती हूँ जितना वो मुझसे सवाल पूछते हैं. एंड इसलिए फोटोग्राफ बहुत फ़नी सी आई है, बिकॉज आई है यार फ़नी सी, अपने में क्या करूँ. बट एनी वेज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर लव टू मी एंड श्रेयांश. बाय, लव यू ऑल.